वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ब्याल जी। आज हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फिशरी डे है वो कब मनाया जाता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्योंकि रिसेंटली JKSSB ने एक नोटिफिकेशन निकाली है, नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन है वो एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें डिप्टी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वहाँ पे रिक्रूट की गई है। तो आज हम पिछले बहुत टाइम से हम इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो यूट्यूब चैनल है ये टीचिंग बायोलॉजी है, तो हम चाहते हैं कि बायोलॉजी के रिलेटेड कोई भी एग्जाम आपको, चाहे वो JKSSB कंडक्ट करे चाहे JKPSC करे। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। फॉर कीपिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ फिश द सरफेस एरिया ऑफ एक्वेरियम शुड बी, फॉर कीपिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ फिश तो सरफेस एरिया एक्वेरियम का शुड बी कितना होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है 30 cm². क्या आंसर इसका आ गया? 30 cm². तो सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया रूल क्या है, ठीक है, सरफेस एरिया रूल ये है 12 square inch फॉर एवरी 1 inch ऑफ फिश। ठीक है, अब जो क्या है 30 square centimeter फॉर एवरी 1 centimeter ऑफ फिश। ये जो आपको कौन से टॉपिक में ये आंसर मिलेगा, अगर आप एक्वेरियम के बारे में पढ़ेंगे वहां जाके आपको ये टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका हल हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्पॉनिंग मॉप्स आर यूज्ड फॉर ब्रीडिंग ऑफ। स्पॉनिंग मॉप्स जो है, मॉप्स होते हैं मेन मेड डिवाइस होती है, ये जो मेड फ्रॉम वूल एंड एनियंस, ठीक है ना। अब क्या है इसके आंसर क्या आएगा, गोल्ड फिश। इसका जो आंसर है वो क्या है, गोल्ड फिश, क्योंकि जो स्पॉनिंग मॉप्स है ये एड इन ब्रीडिंग, ठीक है ना, ये क्या है ब्रीडिंग के अंदर एक एड दिया जाता है, एग्स को स्कैटर्स का स्कैटर किया जाता है तो स्पॉनिंग मॉप्स के जरिए, तो ये हम ब्रीडिंग पर्पज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फार्म नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्टिविटी, फार्म प्राइस, कॉस्ट प्रोडक्शन या फार्म एरिया। ये है क्वेश्चन नंबर 30। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फार्म, देखो जी जो फार्म प्रॉफिटेबिलिटी होती है इसको हम मेजर करते हैं यूजिंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड amortization। amortization का मतलब होता है इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। तो जो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, फार्म प्राइस, फार्म प्राइस इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है मोनोपोली मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मोनोपोली जो मार्केट है ये क्या होता है, मोनोपोली मार्केट जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजर प्राइस मेकर हाई बैरियर टू एंट्री। ये जो होता है ये सिंगल सेलर होता है और इसके अंदर जो प्राइस है वो डिस्क्रिमिनेशन होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। तो ये क्या आएगा, सिंगल सेलर। इसका जो आंसर क्या आएगा, मोनोपोली मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल सेलर। पांचवा क्वेश्चन आपके सिर पर क्या है, कॉरल बिलोंग्स टू द क्लॉस। कॉरल्स जो है ये मैरीन इनवर्टिब्रेट्स फाइलम नाइडेरिया के अंदर आते हैं, तो इसका जो है क्लास कौन सा आता है, एंथोजोआ, ठीक है, क्लास एंथोजोआ आता है। फाइलम जो है नाइडेरियन इसका फाइलम है, ओके, और ये जो है मैरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे है वो क्या है, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो इन। ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन जो होती है, देखिए जी, सबसे पहले ऑप्शन है ऑक्सीजन डिफिशियंट मीडियम, कार्बन डाइऑक्साइड डिफिशियंट मीडियम, ऑक्सीजन हाई मीडियम, हाइड्रोजन हाई मीडियम। यहाँ पे आपको तो ऑक्सीजन और मीडियम समझ में आया होगा, लेकिन डिफिशियंट समझ में नहीं आया होगा। डिफिशियंट का मतलब होता है नॉट हैविंग इनफ ऑफ ए स्पेसिफिक क्वालिटी और इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब देखो इसमें एक होता है रैपिड, रैपिड का मतलब होता है शुगर स्टारच एंड प्रोटीन, जब ये जो होगा वाटर के अंदर होगा तो तब क्या होगा, रैपिड होगा। तो स्लो का मतलब होता है जिसके अंदर सेलुलोज हो, फैट्स हो, वैक्सेस हो, तब स्लो होता है। वेरी स्लो कब होता है, जब लेगनिन हो, जब क्या हो, लेगनिन हो। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफिशियंट मीडियम। कार्बन डाइऑक्साइड डिफिशियंट मीडियम में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, वेरी स्लो होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज रैपिड इन एरोबिक मीडिया, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक मीडिया, एनारोबिक मीडिया, नथिंग रिलेटेड टू द अबो। ये जो चार्ट दिए गए हैं ये इसमें बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। देखिए जी जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, इसका जो आंसर है वो है एरोबिक मीडिया। क्या है इसका अंदर, एरोबिक मीडिया इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, साइंटिफिक नेम ऑफ येलो टेल कैटफिश, येलो टेल कैटफिश का साइंटिफिक नेम क्या है। यहाँ पे जो पहला दिया है हेट्रोपनिस्टस फॉसिलिस, ये जो है ये एयर सैक कैटफिश होती है, ओके, इसको हम एशियन स्टिंगिंग कैटफिश भी कहते हैं। इसका जो मेन आंसर है किसका, येलो टेल का, वो है पेंगेशियस, इसका करेक्ट आंसर है। ये साइंटिफिक नेम है येलो टेल कैटफिश का। क्वेश्चन नंबर 9, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन सैल्मन, इंडियन सैल्मन का साइंटिफिक नेम क्या है। देखिए जी यहाँ पे जो पहला नाम दिया है ये है सेल्मो ट्रूटा फायरो, ये होती है ब्राउन ट्राउट। अगर वहां पे क्वेश्चन पूछा गया ब्राउन ट्राउट का साइंटिफिक नाम क्या है, वो आप बता देना कि सेल्मो ट्रूटा फायरो जो है ये सेल्मो ट्राउट का नाम है। उसके बाद यहाँ पे नाम दिया है सेल्मो गैडिनेरिया, सेल्मो गैडिनेरिया का जो नाम है वो क्या है, रेनबो ट्राउट। क्या है, रेनबो ट्राउट जो है ये है किसका नाम, सेल्मो गैडिनेरिया का, ठीक है। उसके बाद है एलेथ्रोनियमा टेट्राडैक्टाइलम, ठीक है ना, ये इसका जो है ये सही नाम है इंडियन सैल्मन का, ठीक है ना, एलेथ्रोनियमा टेट्राडैक्टाइलम, ओके। क्वेश्चन नंबर आता है, बहुत से डे आता है, मैं हर किस्म के डे आते हैं, आपने देखे होंगे बहुत से डे आते हैं। अब आपको ये बताना है जो वर्ल्ड फिशरीज डे क्या है, जो है ये कब मनाया जाता है। वर्ल्ड फिशरीज डे जो है ये 21 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है हर साल। अब आपको बताते चलें जो 2020 अभी 2021 चल रहा है, 2020 जो है ये इंडिया के अंदर इसकी जो थीम थी वो थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिशरीज वैल्यू चेन। ये ICAR इंस्टीट्यूट जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वहां पे ये मनाया गया, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ पैकूफिश, साइंटिफिक नेम पैकूफिश का क्या है। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए जी जो पैकूफिश है, पैकूफिश का साइंटिफिक जो नाम है वो है पी ब्रैकियम पस, ठीक है ना, मतलब ये है ये जीनस पेरेक्टस है और फैमिली जो है इसकी आती है सिरेसल मीडिया, ओके। ब्रैकीपोमस, पी ब्रैकीपोमस जो है ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है डेप्रिसिएशन इज द इसका जो आंसर है वो क्या है, डिक्लाइन इन डिग्निटी ऑफ एसेट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। अब अगर फिश का काम, अब फिश का हम पढ़ रहे हैं, आखिर फिश जब ग्रोथ होती है उसको मार्केट में भी लेना पड़ता है ना। अब मार्केट में उसकी क्या इनकम, उसका सोर्स क्या है, किस तरह से हम पहले हम फिश को तैयार करते हैं, क्या उसके ऊपर हमें कितना हम उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं या हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद वो उसको हम मार्केट के अंदर कितने में लेते हैं, ये चीज तो देखनी पड़ेगी। इसीलिए ऐसे आपको डिफिनेशन भी वहां पे पूछी जाएंगी, ऐसे जो क्वेश्चन है वहां पे पूछे जाएंगे, ताकि आपको जो इकोनॉमिक का जो है इसका फिशरी का वो भी आपको समझ में आ जाए। इसलिए हमें फिशरीज का इकोनॉमिक 13 क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोपोली मार्केट का, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट का, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का, या ओलिगोपोली मार्केट का। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच वन इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोडक्शन इकोनॉमी, ठीक है, इसमें से आप बताइए कौन सा बेसिक प्रोडक्शन नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस ये तो है, हाउ टू प्रोड्यूस ये तो भी है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, और नीचे है वेयर टू प्रोड्यूस, कहां प्रोड्यूस किया। लेकिन यहां पे इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स,
पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, नन ऑफ दीज, ये चार जो दिए गए हैं क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो 15 है इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव जो है इसका आंसर आएगा, ये प्लस प्राइस इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 16, द मिनिमम मिश साइज परमिटेड फॉर फिशिंग इन मोस्ट ऑफ द इंडियन रिजर्वर इज। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे जो दिए गए हैं 50 mm, 30 mm, 15 mm, 20 mm, गिल नेट जो है सबसे ज्यादा यूज होती है इंडियन रिजर्वर्स के अंदर। उसका जो साइज होता है, अगर हम माइनर कॉर्प कैटफिश को अगर हम कैच करें तो 20 to 40 mm होता है, अगर हम लार्ज कैटफिश को अगर हम बात करें तो 75 to 120 mm होता है, अगर रेंगू नेट की बात करें 100 to 130 mm होता है। तो यहाँ पे एवरेज क्या आएगा, आप इसका जो मिश साइज जो है आप 30 mm इसका जो है आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड एंड मींस इन द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने पहले बोला इकोनॉमिक्स तो पढ़नी पड़ेगी, अब wants and resources, producer and consumers, money and goods, buyers and sellers। 17 का जो आंसर है वो क्या है आएगा, wants and resources। okay, wants and resources जो है ये end and means, ये definition है किसकी, economics के अंदर। question number जो 18 है, 18 क्या है, the word economic is derived from, जो word economic है ये कहां से derived हुआ है, ये derived हुआ है Greek word, याद रखना Greek word से ये derived हुआ है। okay, next, which bacterium is used in bioremediation process, bioremediation process के अंदर कौन सा बैक्टीरिया जो है वो यूज होता है। देखिए Pseudomonas spodita जो है इसका आंसर है। bioremediation क्या होता है, bioremediation की हम बात करें कि ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है दैट इंप्लाइज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया इन द रिमूवल ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स एंड pollutants, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, रेड डेटा बुक जो है ये प्रोवाइड करता है डेटा, किस बेसिस पे करता है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा threatened species। ओके, जो रेड डेटा बुक है ये डॉक्यूमेंट जो एस्टेब्लिश्ड बाय IUCN फॉर डॉक्यूमेंटिंग द रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ठीक है ना। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में वो क्या है, द टर्म निच वाज गिवन बाय, कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आंसर इसका आएगा, जोसेफ ग्रीनल इन 1917 में, ठीक है ना, जोसेफ ग्रीनल ने दिया था। ओके, और आपको पता है जो ओडम नाम दिया गया है ये इकोसिस्टम इकोलॉजी पे इसने काम किया है। ट्रांसलेट की अगर हम बात करें, ये इसने जो टर्म दी है, ट्रांसलेट ने इसको टर्म दी है, ठीक है ना, किसकी, इकोसिस्टम की। Want satisfying power of commodity is called, want satisfy power of commodity is called, ये भी economic का question है, लेकिन इस time हम fish नहीं पढ़ रहे, ऐसी बात नहीं है, फिर समझ लो fish का question है, इसका जो answer आएगा वो आएगा utility। okay, utility जो है इसका सही answer है। 23 जो है, symbiotic interspecific relationship where one partner is benefited and other partner is not harmed, एक पार्टनर को तो बेनिफिट मिल रहा है लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसका नुकसान भी तो नहीं हो रहा है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसका आंसर जो है वो है कॉमेंसलिज्म। क्या है, कॉमेंसलिज्म। यहां पे जो सिम्बायोसिस है, सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, ये टाइप ऑफ ए क्लोज एंड लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जो होती है बिटवीन टू डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ओके, यहां पे फिर है द टर्म इकोलॉजी डिरिव्ड फ्रॉम, जो इकोलॉजी जो है ये टर्म ये कहां से डिरिव होती है, ये भी इसका आंसर भी क्या आएगा, ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से ये डिरिव हुआ है, ये जो है टर्म इकोलॉजी। हार्ड वाटर कंटेन्स बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस बोथ ए एंड सी, सॉल्युबल कोलोइड्स, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, 25 का आंसर क्या आएगा, बाइकार्बोनेट ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम आयंस, यस का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइजेस, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या आएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है इसका आंसर है। चेंज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी डज नॉट टेक प्लेस, यहां पे दिए गए जो चार है इसमें से चेंज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी कहां टेक प्लेस नहीं होती है। 29 देखिए,
जो प्राइस इलास्टिसिटी है जो क्या है, तो जो ये जाता है पूरा प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर। और अब प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, ये काज ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी है, चेंज इन टेस्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, इनकम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट जो जोन है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर कंडीशन, तो ये चीजें जो है ये जो है होती है। ओके, अब इसमें आप देख सकते हैं जो क्या आएगा इसमें अंदर, इसके अंदर क्या आएगा, चेंज टेस्ट। ओके, चेंज टेस्ट जो है इसका आंसर है। पिलाजिक ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, जो पिलाजिक ऑर्गेनिज्म है, पिलाजिक ऑर्गेनिज्म जो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, यहाँ पे न्यूटन एंड निक्टन है, प्लिस्टन एंड न्यूटन है, प्लिस्टन एंड निक्टन है, प्लैंकटन एंड न्यूटन है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, प्लैंकटन एंड निक्टन, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। देखिए जो निक्टन है, निक्टन क्या होते हैं, निक्टन्स ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द ओशन दैट आर कैपेबल ऑफ स्विमिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ करंट्स। और जो न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है, दैट लिव एट द सरफेस ऑफ वाटर। अगर हम बात करें पिलेजिक ऑर्गेनिज्म की, फ्री स्विमिंग जो होते हैं, दैट मींस निक्टन एंड जो प्लैंकटन है, ये जो है फ्री स्विमिंग है, इसका आंसर जो है ये प्लैंकटन एंड निक्टन है। द नेम प्लैंकटन इज कॉइनड बाई, नेम जो प्लैंकटन है ये किसने कॉइन किया है, ये जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर है विक्टर हिंसन। क्या है, विक्टर हिंसन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 32, साइंटिफिक नेम ऑफ लैंगफर, साइंटिफिक लैंगफर का क्या साइंटिफिक नाम है, ये है पी सेराना, पी सेराना जो है ये साइंटिफिक नेम ऑफ लैंगफर है, जिसको हम ओलियो बॉब भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज द एनालिसिस ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशंस एंड एवोल्यूशनरी स्टडीज एज स्पेसिएशन, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशंस और एवोल्यूशनरी स्टडीज एज स्पेसिएशन, किसमें काम करते हैं, देखो अल्फा टैक्सोनॉमी जो है ये क्लासिफाइड, अल्फा टैक्सोनॉमी जो है क्लासिकल टैक्सोनॉमी है, बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ओके, कंसर्नड विद फाइंडिंग डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो है बीटा टैक्सोनॉमी, ये क्या है, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ग्रुप्स इन बायोलॉजिकल क्लासेस। उसके बाद क्या है, गामा टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन पैटर्न, दैट मींस इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, गामा, गामा टैक्सोनॉमी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिश बिलोंग्स टू द फाइलम, फिश कौन से फाइलम से बिलोंग करती है, कितना इजी क्वेश्चन है आपके लिए, पढ़ा होगा तो आपके लिए इजी है, नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसका आंसर क्या आएगा, कॉडेटा, ठीक है ना, कॉडेटा जो है इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिजर्ड फिश सेरिडा टुम्बिल बिलोंग्स टू द फैमिली साइनोडोंटिडिया, सेलोरेंटिडिया, टुम्बिलिटिडिया, क्लूपिडिडिया है, जो फैमिली है इसका फैमिली है साइनोडोंटिडिया, इसकी फैमिली है, क्लास है एक्टिनोट्राइजी, और ये जो क्या होती है ये बॉटम ड्विलिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले इन ए सोइल इज डिफाइन एज, ये क्या डिफाइन करती है, अगर एक सैंड होगा, सिल्ट होगा, क्ले होगा सोइल के अंदर, ये डिफाइन करती है टेक्सचर, क्या करती है, सोइल टेक्सचर जो है ये डिफाइन करती है। ओके, इफ द पीएच ऑफ पॉइंट सोइल इज 6.6 टू 7.5 द रिक्वायर्ड लाइम एग्रीकल्चर लाइम 2 केजी पर हेक्टर। देखिए अगर 40 to 50 होगा पीएच, तो उसमें आएगा 2000 केजी पर हेक्टर, ठीक है, अगर 51 टू 65 होगा तो होगा 1000, ओके, अगर 66 टू 75 होगा तो होगा 500, तो ये लिखना आप, जितना कम होगा, देखा जाए जो 6.6 टू 7.5 जो है ये बिल्कुल पॉइंट जो है ये गुड है, ओके, तो 6.5 टू 7.5 जो होता है ये अमाउंट जो होती है ये ठीक होती है, ठीक है, सोइल के लिए। The plan of work which has been arranged chronologically is, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कैलेंडर ऑफ वर्क।
ठीक है ना। अब यहाँ पे 37 में एक चीज और हम बता आपको बताते चलें, जो सोइल की एसिडिटी है ये यूज टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इन एल्यूमिनियम केटाइन पॉजिटिव चार्ज, और पीएच ऑफ 7.0 जो है ये न्यूट्रल है, बिलो 7.0 जो है ये एसिडिक होती है। लाइमिंग बेनिफिट्स क्या होते हैं, लाइमिंग के बेनिफिट्स होते हैं ये इंक्रीज करती है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रंस को, इंक्रीज करती है पीएच इन बफर अगेंस्ट डेली पीएच को, और सिटरलाइज करती है पॉइंट्स को प्रायर टू स्टॉकिंग। ये इसके लाइम के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, द पीएच मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन ए स्केल फ्रॉम, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 0 to 14। ठीक है, बेसिक पीएच स्केल एक्सटेंड फ्रॉम 0 स्ट्रॉन्ग एसिड टू 7 न्यूट्रल प्योर वाटर, 0 to 14 स्ट्रॉन्ग कास्टिक, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 40 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल मैटर प्रेजेंट इन द सोइल। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, 40 का जो आंसर है वो क्या आएगा 45%। ओके, 45% क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, 5% ऑर्गेनिक होते हैं, 20 to 30% वाटर होता है, 20 to 30% एयर होती है। ओके, 41 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइबेसिक एसिड। देखो डाइबेसिक एसिड आर एसिड्स दैट फर्निश टू हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल्स इन वाटर, जिसमें सल्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, दैट मींस H2SO4 जो है ये इसका आंसर है। 42 क्या है, इन केस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंटरप्राइजेस मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन इज। अब जो 42 है, 42 का जो आंसर है वो क्या आएगा, ठीक है, देखिए जो 42 है, 42 का जो आंसर है वो है, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, MRS, इसको हम कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द अमाउंट ऑफ ए गुड दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू कंज्यूमर इज विलिंग टू कंज्यूम कंपेयर टू अनदर गुड, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो जो है ये 42 का आंसर आएगा, आप इसको जीरो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेशनल स्टेज। देखिए इसका जो आंसर है वो आएगा स्टेज टू। फैक्ट दैट दिस स्टेज इट कम्स आउट विद द बेस्ट एब्जॉर्प्शन फॉर इफिशियंट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, द आंसर इज प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, देखो इसमें क्या आएगा, जो इनपुट एंड आउटपुट, क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसमें देखना है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन में क्या आएगा, फॉर्म प्रोडक्ट जो है ये आएगा, या प्रोडक्ट प्रोडक्ट आएगा, या फैक्टर प्रोडक्ट आएगा, या फैक्टर फैक्टर आएगा। इसका जो आंसर जो है, देखिए फॉर्म प्रोडक्ट जो है ये ठीक है, ओके, फैक्टर प्रोडक्ट जो है ये भी ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ये भी ठीक है, और जो फैक्टर फैक्टर है ये रिलेशनशिप में नहीं आता है इनपुट और आउटपुट। जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, देखिए जो फ्रेश वाटर लेक यहाँ पे दी गई है, पुलिकेट लेक, चिल्का लेक, कुलिरु लेक, लोकटक लेक, यहाँ पे आपने चार लेके देखी। अब बताना है कौन सी लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, बड़ी फ्रेश वाटर। पुलिकेट लेक की अगर हम बात करें, ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है, ठीक है ना, ये बिगेस्ट जो बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया के अंदर है वो है वुलर लेक, जो कि बांडीपोरा कश्मीर के अंदर पड़ती है। पुलिकेट लेक जो है ये तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है। चिल्का लेक की अगर हम बात करें, ये ओडिशा के अंदर पड़ती है, ये भी बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर है। तो अब रही बात करेंगे कुलर लेक की, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर। और लोकटक कोलेरू जो है ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और हम बात करें लोकटक लेक की, ये लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, जो इंडिया के अंदर मणिपुर के अंदर ये। तो जो ये चार दिए गए हैं, इन चार में से आंसर क्या आ गया, लोकटक लेक। कोई भी अगर पूछेगा कि जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया के अंदर कौन सी है, वो है लोकटक लेक। ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक कॉप, ब्लैक कॉप का साइंटिफिक नाम क्या है। 46, इसका नाम है माइलो फ्रेंगोडॉन
स्पाइकस, ये इसका ब्लैक कॉर्प का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम ऑफ ओरिएंटल रिवर प्रॉन 47, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा माइक्रोब्रेकियम मैपोनेंस, ठीक है ना, मैपोनेंस एम से माइक्रोब्रेकियम। अब 48 है, लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन एंड द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू अनदर पॉपुलेशन, उसको क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। ये बिल्कुल इजी है, इमिग्रेशन, या एक साइड से लॉस होता है एक पॉपुलेशन में और जाके दूसरे पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। तो इमिग्रेशन आपने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। देखिए कैटाड्रोमस माइग्रेशन क्या होती है, फिश जो है स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव्स इन फ्रेश वाटर, सबसे ज़्यादा जो अपना वो टाइम जो ज़्यादा वो स्पेंड करती है फ्रेश वाटर के अंदर, उसके बाद माइग्रेट करती है, माइग्रेशन करती है टूवर्ड्स सी, किसके लिए? ब्रीडिंग पर्पज के लिए। इसको हम कहते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। माइग्रेशन पर मैं एक आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, वो आप अच्छी तरह से इसको देखना, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 मिनट का होगा, तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। उसके बाद इमिग्रेशन, देखो हमने इमिग्रेशन नहीं पढ़ा था, हमने इमिग्रेशन पढ़ा था। इमिग्रेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स बिकम परमानेंट रेजिडेंट आर सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। इमिग्रेशन आपने पढ़ लिया। उसके बाद जो है एनाड्रोमस, एनाड्रोमस में क्या होता है, फिश जो है बॉर्न इन फ्रेश वाटर हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव्स इन साल्ट वाटर, ठीक है, बॉर्न कहाँ होती है? फ्रेश वाटर के अंदर। उसके बाद कहाँ चली जाती है? सी वाटर, साल्ट वाटर के अंदर, और वापस आ जाती है फ्रेश वाटर के अंदर फॉर स्पॉइनिंग। ये है एनाड्रोमस की डेफिनेशन, एनाड्रोमस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द इकोसिस्टम द बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर लेस एंड कंज्यूमर्स आर मोर। ये जब एक इकोसिस्टम के अंदर जब बायोमास में प्रोड्यूसर जो हैं वो लेस होंगे, कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा होंगे, तब कौन सा पायरामिड होगा? अपराइट पायरामिड, इन्वर्टेड, हॉरिजॉन्टल, या नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन्वर्टेड। क्या आएगा? इन्वर्टेड पायरामिड इसका सही आंसर आएगा। 50 क्वेश्चन क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ चैनल कैटफिश, चैनल कैटफिश का साइंटिफिक नाम क्या है? इसका जो आंसर है वो है डी, ठीक है, एक टेलोरस पंक्टेटस, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, विड्थ ऑफ द रिंग्स स्केल्स ओटोलिथ गिव्स इन एस्टिमेशन ऑफ हेल्थ ऑफ फिश, एज, ग्रोथ, इकोलॉजी ऑफ फिश। देखिए अगर विड्थ ऑफ रिंग्स की अगर हम बात करें, ग्रोथ इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ग्रोथ आएगा, ठीक है ना। लार्ज स्केल, लार्ज रीजनल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फ्यूना इज कॉल्ड, इसका आपको सही आंसर क्या आएगा? बायोम। बायोम में क्या आएगा? बायोम की डेफिनेशन क्या है? ये एक लार्ज रीजनल यूनिट होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फ्यूना। ओके, ये है बायोमास। In Meromictic Lake, a number of turnover of water per year is. Meromictic Lake. देखिए जी, Meromictic Lake के इसमें क्या होता है, ठीक है? इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा one, ठीक है? Once per year, ये इसका आंसर है। उसके बाद है identify the correct order in which the lintic series evolved. यहाँ पे आपको correct ऑर्डर दिखाना है लिंक्टिक सीरीज जहां पे इवॉल्व होती है। देखिए पॉन्ड, बॉक्स, स्वैम्प्स, लेक्स, स्वैम्प्स, लेक्स, पॉन्ड्स, बॉक्स, लेक्स, पॉन्ड्स, बॉक्स, स्वैम्प्स, लेक्स, स्वैम्प्स, पॉन्ड्स, बॉक्स, ये यहां पे दिया गया है। अब हमें बताना है कि इसके जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लेक्स, पॉन्ड्स, बॉक्स, स्विम्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, 55, क्राफ्ट मोस्टली यूज्ड इन रिजर्वर डग आउट कैनो लैंपेनी कोराकेल डिंगी, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए जो कोराकेल है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका क्यों होता है? क्योंकि इसका लाइट वेट होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर ये कोराकेल जो है सबसे ज्यादा यूज होता है।
अगर हम डेंगी की बात करें, डेंगी भी बहुत ज्यादा यूज होता है, मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा डेंगी यूज होता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी कोराकिल को और कोराकिल को, और दूसरी दी जाएगी डेंगी को। साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन व्हाइट श्रिम्प, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है फेनरोपिनस एंडिकस, पहला आएगा एफ इंडिकस। एफ का क्या मतलब होता है, एफ का क्या हुआ, फेनरोपिनियस, ठीक है, एंडिकस जो है इसका साइंटिफिक नाम है। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रेश वाटर क्रेफिश, ये है क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर क्या आएगा, साइंटिफिक नेम क्या है क्रेफिश का, ये है, यहां पे जो है एस्टोकोप्सिस गोल्डी जो है, गोल्डी जो है इसको हम कहते हैं जेंट फ्रेश वाटर क्रेफिश। उसके बाद जो है उस्टेकस अर्मेटस, इसको हम कहते हैं मुरी क्रेफिश। और अगर हम बात करें होमेरस एर्मेटस की, इसको हम कहते हैं लोबिस्टर। और अगर हम बात करें होमेरस गैमरस की, इसको हम कहते हैं यूरोपियन लोबिस्टर। अब फ्रेश वाटर क्रेफिश का जो आंसर आएगा वो आएगा एस्टोकोपिस गोल्डी, यू इज जेंट फ्रेश वाटर क्रेफिश है। ओके, अब अगर हम ओरिजिनल बात करें क्रेफिश को, हम कहते हैं कैम्बरस स्पीशीज। उसके बाद है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडियन फिशरीज, ईईजेड, ठीक है ना। इंडिया जो है, फ्रांस जो है ये नंबर वन है, इंडिया जो है ये 18th है, 98 नंबर पर है, जिसका टोटल जो साइज है वो है 23,05,143 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ईजेड है ये एक जोन है इन द सी जो प्रिस्क्राइब करता है बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, और विच ए कंट्री हैज सर्टेन राइट्स इन दिस, यहाँ पे कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखें वो है 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना है 2.37 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे दिया गया है 2.35, अब आप 2.35 को लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक चल सकता है, उससे पहले था 2.02, अब कितना है। अब जो ईईजेड जो एरिया है ना, इज ए एडजेसेंट टू एंड बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी, इट कैन एक्सटेंड टू मैक्सिमम ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। साइंटिफिक नेम ऑफ पिग माउथेड कॉब, लैबियोकोन्टियस, लैबियोगोनियस, लैबियो डायोचिलियस, लैबियो पेंगोसिया, ये 59 है। देखिए 59 का जो है साइंटिफिक नाम जो है एलकोन्टियस जो है, ये इसका नाम है लैबियो कॉन्टियस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। 60 क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाइड एज मीडियम रिजर्वर रेंज फ्रॉम डैश डैश टू डैश डैश, यहाँ पे आपको बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा, ठीक। इसका जो आंसर है वो क्या है, 1000 हेक्टर, लेस देन 1000 हेक्टर जो है ये आपका आंसर है। प्रोपोर्शन ऑफ अर्ली एडॉप्टर्स इन एडॉप्शन इन फार्मिंग कम्युनिटी इज, इसका जो देखो, एक होते हैं इनोवेटर्स, ठीक है ना, वो होते हैं 2.5%, कितने 2.5%, फिर होते हैं अर्ली एडॉप्टर्स वो होते हैं 13%, फिर जो होते हैं अर्ली मेजॉरिटी जो है वो है 34%, लेट मेजॉरिटी जो है वो भी 34% है, और 60% जो है वो क्या है, अब इसका जो हमें जो बताना है अर्ली मेजॉरिटी बताना है वो क्या आएगा, 34 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 62 क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ एडॉप्टर्स कैटेगरीज आर 5, 6, 8, 4, 60 जो 1 के बाद 62 आ गया, अब इसका जो आंसर वो क्या आएगा, 5, कितना आएगा, 5 जो होगा ये इसका आंसर है। 5 में आपको मैंने बताया ना, एक होता है इनोवेटर्स, एक होता है अर्ली एडॉप्टर्स, एक होता है अर्ली मेजॉरिटी, एक होता है लेट मेजॉरिटी, एक होता है लार्जेस्ट, ये होते हैं 5। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे 63 जो क्वेश्चन है, द रिवाइज्ड सीआरजेड, सीआरजेड का मतलब होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज पासड इन, ये कब पास हुआ था, ये हुआ जनवरी 2011 में, इसका सही आंसर है। 64, द ग्रेटर बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर लेट्स, क्वेश्चन 64 का आंसर क्या है, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ वाटर,
increase temperature content of water, decrease oxygen content of water, all of these. 64 का जो आंसर है वो क्या आएगा, देखिए जो 64 का आंसर है वो क्या आएगा, वो आएगा सी पार्ट, डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर जो है इसका आंसर है। यहाँ पे सी आर जेड पे एक चीज मुझे भूल गई, सी आर जेड पे देखो ये एरिया होता है, द एरिया अलोंग द 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल स्ट्रेच ऑफ इंडिया डेवलपमेंट, ये किसके लिए होता है, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग्स टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो सी आर जेड जो है ये जोन होता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर कॉन्स्टेंट इज डैश डैश कैल पर सी एम स्क्वेयर। देखो देखिए सी एल क्या होता है, सी एल का मतलब होता है कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, सी एल हो गया कैलोरीज सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट, ठीक है ना। अब देखो इसका जो आंसर है, आंसर जो 65 का है वो क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं सोलर कॉन्स्टेंट क्या होता है। सोलर कॉन्स्टेंट ए मेजर ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। अब इसका जो आंसर देखो, अगर एक होगा तो दो होंगे, ठीक है ना, अगर माइनस दो होगा तो चार होंगे, यहाँ पे इन्होंने दिया है डैश डैश माइनस टू। अब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस टू का आंसर क्या आएगा, फोर, फोर इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। चिल्का लेक इज, चिल्का लेक क्या है, देखो चिल्का लेक जो है ये आपको मैंने पहले बोला, चिल्का लेक जो है ये एक लैगून है, ब्रैकिश वाटर लैगून है, शेलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडी, इसको हम लैगून कहते हैं। ये स्प्रेड ओवर दी पूरी खुदरा गुंजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा के अंदर जो चिल्का लेक है ये वहां पे स्प्रेड है। तो उम्मीद करता हूँ जो ये लेक्चर आपने देखा या सुना, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा। इसमें मैंने 66 क्वेश्चन जो है थे उसके आंसर में डिस्कस किए, मुझे लगता है मैंने उसे एक्स्ट्रा भी जो आंसर थे, आंसर के भी जो उनको कोशिश की मैंने आपको बताने की कि कौन कौन सा है, कुल मिला के कम से कम 100+ क्वेश्चन यहाँ पे आपको तैयार हो गया होगा ये लेक्चर देख के। अगर आपको ये देखो जो मेरा मकसद यही है कि जो एग्जाम भी फिशरीज के लिए तैयारी कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि JKSSB के लिए कर रहा हो, अगर आगे किसी इंस्टीट्यूट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या लेक्चर के लिए कोई तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिशरीज के, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसे बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट भी मैं 100+ क्वेश्चन लेके आऊंगा एक और, आप जो मेरी सीरीज है ना, सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री आप देखते जाइए, तो जितना हो सकेगा मैं आपसे आपके लिए फिशरीज के लिए सीरीज लाता रहूंगा। तो कोशिश यही करूंगा कि आपके लिए कम से कम 2000 या 3000 क्वेश्चन आपका रेडी कर दूं, उसमें से आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो ये अच्छी बात होगी। हाँ, कोई किसी का कोई फायदा हो जाए इस लेक्चर से, क्योंकि जो ये चैनल मैंने बनाया है टीचिंग बायोलॉजी, इस चैनल का नाम है, मेरा यही मिशन है कि आप तक बायो के रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो हमेशा आपको मिलती रहेगी। अभी हमने इसको स्टार्टअप किया है, कोशिश करेंगे कि आपके साथ आगे की तरफ चलते रहेंगे। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।